हम लोग ने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट को खत्म किया था, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है मॉडर्न फिजिक्स से, सो हम लोग पहले मॉडर्न फिजिक्स करेंगे, उसके बाद जो रेस्ट का चैप्टर बचा पड़ा है वो करेंगे। सो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज आयनोस्फीयर, ये क्वेश्चन सबसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं व्हाट इज आयनोस्फीयर, द पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर विच एक्सटेंडेड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर इज कॉल्ड आयनोस्फीयर। यह एक पार्ट एटमोस्फेयर का जो एक्सटेंडेड रहता है फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर इज कॉल्ड आयनोस्फीयर। ओके, सो अपना नेक्स्ट आता है माइक्रोवेव्स, व्हाट इज माइक्रोवेव्स हम लोग देखेंगे। सो दीज आर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव जो है अपना रेडियो वेव्स है हुज फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन टीवी सिग्नल, टीवी सिग्नल का जो होता है फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा होगा माइक्रोवेव्स का, आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स। मतलब सिंपली इसका डेफिनेशन है दीज आर रेडियो वेव्स, ये रेडियो वेव्स है हुज फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन टीवी सिग्नल, वेव्स आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स। ओके, सो अपना नेक्स्ट आता है स्काई वेव्स, व्हाट इज स्काई वेव्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स, ये जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स है विच आर रिसीव्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम आयनोस्फीयर, जो रिफ्लेक्शन आयनोस्फीयर से होगा उसके बाद हम लोग इसे रिसीव करते हैं वो हमारा स्काई वेव्स कहलाएगा। सो आप लोग इसे याद कीजिएगा। और हमारा चौथा आता है ई कॉमर्स, व्हाट इज ई कॉमर्स, ये पूछा जाता है 2 नंबर में, बहुत बार पूछा जाता है ई कॉमर्स क्या है। विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट द कॉमर्शियल एक्टिविटी इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ओके, अपना पांचवा आता है माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, सो माइक्रो प्रोसेसर इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर को हम डिफाइन करेंगे यह पार्ट है कंप्यूटर का कंपोज टू आईसीज। ओके, चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है www, सो हम लोग देखेंगे क्या है, इट इज एब्रीविएशन ऑफ वाइड वाइड वेब या वेब। ओके, सो हम लोग समझते ये होता क्या है, तो वेबसाइट्स आर सर्चेड बाय इंजन्स, मतलब वेबसाइट जो है इंजन्स पे सर्च किए जाएंगे लाइक गूगल या हो इटीसी ऐसा ही कुछ। ओके, नेक्स्ट अपना आता है फैक्स, व्हाट इज फैक्स, ये भी पूछा जाता है फैक्स क्या है, फैक्स इज शॉर्ट फॉर फेसीमाइल। ओके, फैक्स इज शॉर्ट फॉर फेसीमाइल, अब हम लोग देखेंगे ये फैक्स जो है ये एक टाइप का मशीन है, ये कैसे काम करता है सो देखेंगे। तो अ मशीन कॉल्ड फैक्स, ये एक मशीन है जो फैक्स कहलाता है, टेक्स फोटो ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स का फोटो लेता है एंड सेंड्स देम बाय टेलीफोन लाइन, और उसे टेलीफोन लाइन के द्वारा दूसरे मशीन के पास भेजता है। सो ये आपका डेफिनेशन था, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे क्या करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वीवीआई है ये, हमेशा पूछा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हम लोग सबसे पहले उस चीज को देखेंगे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखेंगे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, एटमोस्फेयर बिहेव्स डिफरेंटली ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन, जब एटमोस्फेयर में बहुत सारे प्रकार के रेडिएशन होने लगते हो तो एटमोस्फेयर जो है कुछ डिफरेंटली बिहेव करने लगता है। ओके, उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है द थर्मल एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब बाय अर्थ, जो थर्मल एनर्जी आता है अपना सन से वो एब्जॉर्ब किया जाता है अर्थ के द्वारा एंड ऑब्जेक्ट ऑन इट। ओके, एंड दे इमिट अगेन एट लो टेम्परेचर, वो इमिट करेगा अगेन एट लो टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ क्या बोलता है, देखिए इमिटेड रेडिएशन फ्रॉम अर्थ आर मोस्टली इन्फ्रारेड रेडिएशन, इमिटेड रेडिएशन जो होगा अर्थ का वो मोस्टली इन्फ्रारेड रेडिएशन होगा। और अपने नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, क्लाउड्स एट लो हाई ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन्फ्रारेड रेडिएशन, क्लाउड जो है एट लो हाइट पे ऑल्सो वो रिफ्लेक्ट करेगा इन्फ्रारेड रेडिएशन को ड्यू टू विच हीटिंग इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड ऑन अर्थ सरफेस। ओके, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो सारा फिनोमेना है इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट करेंगे बोलेंगे। ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, सो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट करते हैं। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, व्हाट इज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, हम लोग देखेंगे व्हाट इज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। सो इट इज दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विद इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑप्टिकल लेंस टेक्स प्लेस
स्क्वाइड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। सो डिफिनेशन से क्लियर है ऑप्टिकल ये कम्युनिकेशन अपना क्या है। सो आगे अपना देखते हैं अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ्स एटमॉस्फेयर क्या है सो हम लोग देखेंगे। द गैसियस एनवायरनमेंट अराउंड द अर्थ, गैसियस एनवायरनमेंट जो है अराउंड द अर्थ उसको हम वो लोग बोलेंगे अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके सो अब हम लोग देखेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर में के कौन कौन सी चीज है और कितना कितना परसेंटेज है। सो देखिए इट कंजिस्ट ऑफ 78% इनटू 21% O2, सम परसेंटेज ऑफ आर्गन कॉमा CO2 etc. हमारे अर्थ के सराउंडिंग में पाया जाता है। और एक बात और वो देखिए देर इज नो फिक्स बाउंड्री ऑफ एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का जो है वो कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, एटमोस्फेयर का कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाउ इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। सो देखेंगे फोटो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। सो व्हेन लाइट ऑफ सफिशियंट फ्रीक्वेंसी, जब लाइट एक सफिशियंट फ्रीक्वेंसी का इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल, जब इंसिडेंट किया जाएगा एक मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल, सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट कर हो जाएंगे मेटल से। ओके दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक, ये जो सारे फिनोमेनन है ये कहेंगे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं। सो ये अपना मेटल प्लेट हुआ एक, ये कलेक्टर प्लेट है, ये अपना फिगर है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये है इवेक्यूलेटेड क्वार्टर्स ट्यूब, ये हमने ट्यूब लिया है, ये जो हमारा ट्यूब है वो ट्यूब का नेम है ये, एक वोल्टमीटर से हम लोगों ने कनेक्ट किया, उसके बाद ये तो अपना बैटरी का हुआ और एक एमीटर से कनेक्ट किया। सो ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो ये पूरा फिनोमेनन है, ये पूरा फिनोमेनन जो है दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। सो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम लोगों ने फिगर तो बना ही लिया था, उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना था डायग्राम के हेल्प से। सो हम लोग देखेंगे हम लोगों ने डायग्राम में किया क्या है वो हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने मतलब अभी डायग्राम बनाया था। सो देखिए हम लोगों ने डायग्राम में क्या किया था, एन इवेक्यूटेड ट्यूब कंटेन्स टू इलेक्ट्रोड्स, एक इवेक्यूटेड ट्यूब है जो कंटेन्स करेगा दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्टेड टू अ सोर्स, जो ये सोर्स से कनेक्टेड होंगे ऑफ वेरिएबल वोल्टेज। ओके विथ द मेटल प्लेट एट पी, मेटल प्लेट होगा पी। ओके अ लाइट ऑफ सफिशियंट हाई फ्रीक्वेंसी, एक लाइट हाई सफिशियंट फ्रीक्वेंसी का इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, वो इंसिडेंट होगा मेटल प्लेट पे, एंड द फोटॉन्स कोलाइड विथ द फ्री इलेक्ट्रॉन, और दो और जो हमारे फोटॉन्स होंगे वो कोलाइड करेंगे विद द फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके सो हमारा नेक्स्ट देखिए क्या है, वेन द कलेक्टर इज पॉजिटिव, जब हमारा कलेक्टर जो हमारा फिगर में था वो कलेक्टर इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेट, विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्ट टू इट, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो अट्रैक्ट करेंगे उसे, एंड द अमीटर ए रजिस्टर्स अ करेंट, अमीटर ए जो है वो रजिस्टर करेगा एक करेंट। ओके और दिस करेंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। सो हम लोगों को पूरा जब भी पूछे व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेन डायग्रामली, सो हम लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा, सो बड़े वाले क्वेश्चन हम लोगों को पूरा लिखना है। सो ये आपका था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट करते हैं, नोट डाउन कीजिए। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा डिफाइन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या हमें वो डिफाइन करना है, व्हाट इज वर्क फंक्शन। ओके सो देखिए द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ओके टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द सरफेस, मतलब द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा जो इलेक्ट्रॉन का टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से फ्री होने के लिए। ओके ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन को हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाइव। ओके सबको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अपना आता है सेकंड क्वेश्चन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो हम लोग देखेंगे व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल, मतलब मिनिमम एनर्जी जो होगा इंसिडेंट लाइट का फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा ना वो पॉसिबल हो जाए। ओके इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे प्रॉपर्टी, तो फॉर मेटल
थ्रीसोइड एनर्जी एंड वर्क फंक्शन आर सेम। मैं क्या कह रही है, थ्रीसोइड एनर्जी और वर्क फंक्शन हमारा दोनों सेम ही आएगा। सो देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा। दैट इज एच बी नॉट इज इक्वल टू फाइव, ये अपना फॉर्मेटल के लिए थ्रीसोइड एनर्जी का भी फॉर्मूला यही है, वर्क फंक्शन का भी फॉर्मूला यही है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे क्या करते हैं। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थ्रीसोइड फ्रीक्वेंसी। थ्रीसोइड फ्रीक्वेंसी क्या है, हम लोग वो देखेंगे। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटोन का ऑफ लाइट फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो जाए, इसको थ्रीसोइड फ्रीक्वेंसी। ओके, डेफिनेशन क्लियर है सबको। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट वी इज लेस देन थ्रीसोइड फ्रीक्वेंसी, देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, तब कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। सो दैट इज वी इज लेस देन वी नॉट, सो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा थ्रीसोइड वेवलेंथ। थ्रीसोइड ये फ्रीक्वेंसी था हमारा, ऊपर वाला क्वेश्चन ये वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, थ्रीसोइड वेवलेंथ उसको समझेंगे। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स का मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ओके, फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो जाए, इज कॉल्ड थ्रीसोइड वेवलेंथ ऑफ मेटल। ओके, अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, जब वेवलेंथ जो इंसिडेंट लाइट का इज ग्रेटर देन द थ्रीसोइड फ्रीक्वेंसी, वो ग्रेटर होगा थ्रीसोइड फ्रीक्वेंसी से, देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल, तब कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। सो दैट इज लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, इस सिचुएशन में नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। सो ये हमारा था थ्रीसोइड फ्रीक्वेंसी और थ्रीसोइड वेवलेंथ। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सरे, व्हाट इज एक्सरे, सो द एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्शन ऑफ एक्सरे। ये सारे क्वेश्चन बीबीआई है, अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। सो मैं एक 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 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो भी बीबीआई क्वेश्चन है मेरे सारे क्वेश्चन वही है। सो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सरे है क्या। सो एक्सरे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे जो है वो अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विथ वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर 0.1 nm, जिसका वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर है मतलब 0.1 nm। ओके, व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू स्ट्राइक, जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेड बनाए जाते हैं स्ट्राइक करने के लिए मेटल को टारगेट करने के लिए, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम आउट इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वहां पे निकलता है, निकल के बाहर आता है, और वही जो है हमारा वो एक्सरे कहलाता है। इस हम पूरे फिनोमेनन को हम एक्सरे कहते हैं। सो प्रोजेक्शन ऑफ एक्सरे कैसे होता है वो आप लोग देख लीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ एक्सरे, ये इसका फिगर है। सबसे पहले ये जो ट्यूब होगा, बहुत बच्चे सोच रहे हैं ये क्या है, ये हमारा इवेक्यूटेड ट्यूब है। ओके, ये हमने ये जो किया है मेटल को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ओके, ये हमारा कैथोड है, और उसके बाद ये हमारा जो है ये एक्सरे है। ओके, सो यही अपना था व्हाट इज एक्सरे और सो द एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्शन ऑफ एक्सरे। सो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग फिर से इसका और प्रूफ जो है वो करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट जो प्रूफ बचा पड़ा था, हम लोगों ने फिगर बनाया था, उसके बाद हमारा प्रूफ जो था वो था, ए कैथोड हीटेड बाय अ फिलामेंट थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ट। एक कैथोड हीट हम लोग करेंगे फिलामेंट से, जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास हो, सप्लाइज इलेक्ट्रॉन बाय थर्मो इलेक्ट्रिक इमेशन। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, द हाई पोटेंशियल डिफरेंस वी, ओके, मेंटेन्ड बिटवीन द कैथोड एंड अ मैकेनिक टारगेट, ओके, एक्सीलरेट्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द लाइटर। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो हम लोगों ने वो फिगर में जो हम लोग जो किए वही लिखा है सिर्फ, द इलेक्ट्रॉन्स हिट द टारगेट विथ अ वेरी हाई स्पीड, इलेक्ट्रॉन्स जो अपना टारगेट को हिट करेगा वो बहुत ही हाई स्पीड के साथ करेगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड बाय द टारगेट कंप्लीटली, जब टारगेट पूरा हो जाएगा तो वो रुक जाएगा एज पार्शियली। ओके, एंड
इन दिस प्रोसेस एक्सरेज आर इम्पेक्ट, हम लोगों ने ये जो हम लोग जो ये प्रोसेस करेंगे उस प्रोसेस से हमारा एक्सरे मिल जाएगा। सो हम लोगों ने एक्सरे में क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक्सरे किसे बोलता है वो लिखा, उसके बाद उसका फिगर बनाया और डायग्रामली उसका हम लोगों ने फिगर में क्या क्या किया वो पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आएगा ना, जब छह नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा ना। सो ये था अपना एक्सरेज, नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग फिर आगे करते हैं। सो हम लोग देखेंगे अब कि आगे क्या हुआ, व्हाट इज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो हम लोग देखेंगे व्हाट इज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट ही ऑब्टेंड अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, इस एक्सपेरिमेंट में उसने ऑब्टेंड किया अल्फा पार्टिकल्स को फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ओके, एंड मेड टू इंसिडेंट एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, ही मेड टू इंसिडेंट अल्फा रेज ऑन गोल्ड फॉइल, उन्होंने अल्फा रेज को गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट करवाया, ओके, देन ही ऑब्जर्व दैट अल्फा पार्टिकल्स, तब उसने ऑब्जर्व किया कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्टेड हो रहा है इन डिफरेंट डायरेक्शन, बहुत सारे जो थे वो स्ट्रेट लाइन निकले, उसके बाद कुछ इधर निकले, कुछ इधर निकले, कुछ इधर निकले, जैसे गोल्ड फॉइल से हमने डिफ्लेक्ट करवाया तो कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, मतलब हर एक डायरेक्शन में वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा था, जो हमारा फिगर में दिखलाया हुआ, ये हमारा थिन गोल्ड फॉइल हुआ, और जैसे ही हमने अल्फा रेज को डिफ्लेक्ट करवाया तो कुछ सीधा गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, सो ये अल्फा रेज था। सो उन्होंने पाया कि डायरेक्शन जो है अल्फा रेज का वो डिफरेंट हो रहा है, सभी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने और हम लोग और करते हैं, मतलब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया वो हम लोग करते हैं। सो जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, एटम का जो मोस्ट पार्ट है वो खाली ही रहता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अक्रॉस गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, क्योंकि हमने जितने भी अल्फा पार्टिकल्स को डेविएशन करवाया वो विदाउट एनी डेविएशन, मतलब ये पास आगे की तरफ पास होते चले गए, कुछ इधर गए कुछ इधर गए, अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट होते गए। सो सेकंड जो हमारा है पॉइंट वो है सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पार्ट, उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिसको जाना चाहिए था कहीं पे लेकिन वो लोग अपने ओरिजिनल पाथ से दूर कहीं पे चले गए। सो अपना थर्ड पॉइंट आता है सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर कंप्लीटली कम बैक ऑन देयर ऑन पाथ, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने पाथ पे फिर से कंप्लीटली मतलब वो फिर से कम बैक फिर से वहीं पे आ गए जहां पे हम लोगों ने स्ट्राइक करवाया था वहां से आ गए। सो जैसे ये फिगर एक बार और देख लीजिए, ये हमारा गोल्ड फॉइल हुआ, यहाँ से हम लोगों ने अल्फा रेस को स्कैटरिंग करवाया तो कुछ इधर गए कुछ इधर गए कुछ इधर गए कुछ ऐसे जाएंगे कुछ ऐसे जाएंगे, मतलब हर एक डायरेक्शन में अल्फा रेस जाते रहेंगे। सो ये था हमारा रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट। सो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग करते हैं फिर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में करेंगे। सो मैंने जितने भी क्वेश्चन आज करवाए सारे क्वेश्चन भी आई, आप लोग पूरे क्वेश्चन अच्छी तरीके से कीजिए जिससे आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिले। थैंक्स।